दोस्तों आज हम पढ़ेंगे किंग लियर। किंग लियर लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। दोस्तों ये कहानी एक बूढ़े राजा की है जिसका नाम है किंग लियर। किंग लियर की तीन बेटियां होती हैं। किंग लियर बहुत बूढ़ा हो गया है तो उसे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपनी तीनों बेटियों में बांट दूँ और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। तो किंग लियर क्या करता है, एक सेरेमनी को प्लान करता है और अपनी बेटियों से कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि तुम में से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे कौन करता है, अपने प्यार को जाहिर करना होगा। और जो बेटी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी, जो बेटी अपने प्यार का सबसे ज़्यादा इजहार करेगी, उसे मैं अपनी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गोनेरिल और रैगन ये दोनों बेटियाँ बहुत ही मक्कार हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डिला, वो किंग लियर से सच्ची मोहब्बत करती है। तो दोस्तों गोनरिल और रैगन दोनों ढोंग करती हैं, ड्रामेबाजी करती हैं और अपने बाप से कहती हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही करते हैं, इस जहां में सबसे ज़्यादा अजीज़ आप ही हो हमारे लिए। दोस्तों ये सब बातें सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए कर रही हैं ये दोनों, असलियत में ये दोनों अपने फादर से प्यार नहीं करती, दोनों ड्रामेबाज और मक्कार हैं। लेकिन दोस्तों किंग लियर की जो सबसे छोटी वाली बेटी है कॉर्डिलिया, वो इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। जब उसकी टर्न आती है तो वो कहती है कि मैं अपने फादर से उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। शी सेज डैट शी लव्स लियर नो मोर नो लेस देन शी शुड एज अ डॉटर। दोस्तों ये बात सुनकर किंग लियर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि किंग लियर को अपनी तारीफ़ें सुनना बड़ा पसंद है, उसे अपनी चापलूसी पसंद है, फ्लैटरिंग पसंद है। लेकिन किंग लियर की जब सबसे छोटी वाली बेटी इस तरह की बात करती है तो किंग लियर बड़ा नाराज़ हो जाता है और किंग लियर कहता है कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों किंग लियर के दरबार में एक वफ़ादार दरबारी होता है जिसका नाम है कैंट। कैंट कॉर्डिलिया का पक्ष लेता है और कहता है, हुजूर आप ये गलत कर रहे हो, आपकी छोटी बेटी के साथ आप ये गलत कर रहे हो। इस बात पर किंग लियर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। किंग लियर कैंट को कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और किंग लियर कैंट को बैनिश कर देता है। दोस्तों किंग लियर के दरबार में प्रिंस ऑफ फ्रांस भी होता है। प्रिंस ऑफ फ्रांस को कॉर्डिलिया की अच्छे से आदत पता होती है, उसे पता है कि कॉर्डिलिया कितनी अच्छी लड़की है। तो प्रिंस ऑफ फ्रांस कॉर्डिलिया से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि कॉर्डिलिया को कोई भी दहेज नहीं मिला, बिना दहेज के ही प्रिंस ऑफ फ्रांस उससे शादी कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों किंग लियर की जो दो बेटियाँ होती हैं उन दोनों में किंग लियर की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। किंग लियर अपनी बेटियों से कहता है कि मैं और मेरे 100 अमीर दरबारी आधे वक्त गोरिल के साथ रहेंगे और आधे वक्त रैगन के साथ में रहेंगे। मेरी सेवा करना अब तुम्हारा धर्म है, अब तुम ही मेरी सेवा करोगी। और दोस्तों किंग लियर अपनी बड़ी बेटी गोरिल के साथ में रहना शुरू कर देता है। आपको याद है अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान, जिस तरह अमिताभ बच्चन बागबान फिल्म में अपने बच्चों के साथ रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनके बच्चे उन्हें सताने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, तो सेम कहानी यहाँ पर भी है। किंग लियर के साथ भी सेम कहानी है। किंग लियर को आप बागबान फिल्म का अमिताभ बच्चन समझ सकते हो। तो दोस्तों किंग लियर को थोड़ा ही टाइम होता है गोनरिल के साथ रहते हुए और गोनरिल अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। गोनरिल अपने फादर किंग लियर की कोई भी सेवा नहीं करती बल्कि उन्हें ताने मारती है। अब दोस्तों जो कैंट होता है जिसे किंग लियर ने दरबार से बाहर भेज दिया था, वो वापस आ जाता है क्योंकि वो बड़ा वफादार है। लेकिन कैंट ने अपना भेष बदल लिया है और वो एक गरीब देहाती बनकर आया है। दोस्तों कैंट को ये बात पता होती है कि किंग लियर की ये दोनों बेटियाँ कितनी ज़्यादा मक्कार हैं और ये दोनों किंग लियर की कभी भी सेवा नहीं करेंगी, इसलिए कैंट किंग लियर की सेवा करने के लिए आया है। कैंट ने अपना नाम भी बदल लिया है और कैंट अपना नाम बदल कर कैस रख लेता है। कैस किंग लियर का पर्सनल सर्वेंट बन जाता है और किंग लियर की सेवा करने लगता है, और किंग लियर भी कैस को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। एक दिन दोस्तों गोनरिल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है अपने फादर से और अपने फादर से आकर चिल्ला कर कहती है कि मैं अब आपको और आपके दरबारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किंग लियर अपनी बेटी गोनरिल के इस लहजे से बहुत गुस्सा हो जाता है और किंग लियर अपने आदमियों के साथ अपनी दूसरी बेटी रैगन के यहाँ पर चला जाता है। किंग लियर अपनी बेटी गोनरिल को बद्दुआ भी देता है और वो कहता है कि खुदा ऐसी एहसान फरामोश संतान किसी को ना दे। अब दोस्तों गोनरिल अपनी छोटी बहन रैगन को ख़त लिखती है और ख़त में वो सारी बातें बताती है कि किंग लियर अभी अभी निकले हैं, बड़ा नाराज़ हैं वो, और अब वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। गोनरिल ख़त में ये भी लिखती है कि मुझे किंग लियर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उनके साथ जो 100 दरबारी हैं ये सब मिलकर मेरा ख़ज़ाना खाली कर देंगे, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये बात मैंने जब अपने फादर को बताई तो वो भड़क गए, गुस्सा हो गए और अब वो गुस्से में तुम्हारे पास आ रहे हैं अपने आदमियों के साथ। गॉन्ड्रिल ये भी कहती है कि जिंदगी भर किंग लियर राजा बने रहे हैं, उन्होंने अपनी मनमानी करी है, लेकिन अब उन्हें हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। दोस्तों ये सब बातें गॉन्ड्रिल एक ख़त में लिख देती है और अपने नौकर को बुला के वो ख़त दे देती है और कहती है अपने नौकर से कि ये ख़त रैगन के पास किंग लियर से पहले पहुँच जाना चाहिए। अब दोस्तों उस नौकर से पहले रैगन के महल पर कैस पहुँच जाता है। कैस जब रैगन के नौकर को देखता है आता हुआ तो वो समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और कैस उस नौकर को पीटने लगता है। रैगन कैस को जंजीर से बंधवा देती है। इसके बाद किंग लियर वहाँ पर पहुँचता है। किंग लियर कैस को जंजीर से बंधा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर भी हालात नहीं सुधरने वाले, ये वाली जो बेटी है ये भी मक्कार है, ये भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करने वाली है। अब दोस्तों इसी बीच गॉन्ड्रिल रैगन के महल में पहुँचती है। रैगन अपने फादर को इग्नोर कर देती है और गॉन्ड्रिल से गले मिलने लगती है, उसका वेलकम करने लगती है। इसके बाद दोस्तों रैगन किंग लियर से कहती है कि आपको गॉन्ड्रिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर आपको मेरे महल में रहना है तो मेरे अंडर रहना होगा और मेरी आज्ञा माननी होगी। दोस्तों अपनी दोनों बेटियों के इस बर्ताव से किंग लियर बहुत दुखी हो जाता है और उसको अपनी सबसे छोटी बेटी कौडिलिया की याद सताती है। इसके बाद बारिश होने लगती है, सभी लोग महल के अंदर चले जाते हैं लेकिन किंग लियर बाहर खड़ा रहता है और वो वहीं बारिश में तूफान में खड़ा हुआ है और भीग रहा है। कैस किंग लियर को जंगल में ले जाता है और डोवर कैसल नाम की एक जगह पर ठहरवाता है। इसके बाद कैस फ्रांस में जाता है कौडिलिया के पास। कैस कौडिलिया को बताता है कि तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी दोनों बहनें क्या क्या कर रही हैं और तुम्हारी फादर की कितनी ख़राब कंडीशन हो गई है। कौडिलिया को ये सारी बातें सुनकर रोना आ जाता है। कौडिलिया अपने हस्बैंड प्रिंस ऑफ फ्रांस से कहती है कि आर्मी को तैयार करो और कौडिलिया प्रिंस ऑफ फ्रांस की आर्मी तैयार करने के बाद इंग्लैंड चल पड़ती है अपनी दोनों बहनों को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों किंग लियर अब पागल हो चुका है। किंग लियर चिल्लाता रहता है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। कौडिलिया जब अपने फादर की ये कंडीशन देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। कौडिलिया अपने फादर की बहुत खिदमत करती है, उसकी बहुत केयर करती है और कौडिलिया के प्यार से किंग लियर ठीक हो जाता है। अब दोस्तों कहानी के एंड में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मैं आपको कुछ और करेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। किंग लियर के किंगडम के पड़ोस में ही अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर रहता है। ये बंदा किंग लियर का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन दोस्तों जिस तरह किंग लियर ने अपनी तीनों बेटियों में से सही बेटी चुनने में नाकाम रहा था, किंग लियर अपनी सही बेटी को नहीं चुन पाया था, इसी तरह अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर भी अपने सही बेटे को चुनने में नाकाम हो जाता है। अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर के दो बेटे हैं, एक का नाम है एडगर और दूसरे का नाम है एडमंड। एडगर अच्छा लड़का है और एडमंड मक्कार लड़का है। एडगर ग्लोसेस्टर का जायज़ बेटा है और एडमंड ग्लोसेस्टर का नाजायज़ औलाद है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, गॉन्ड्रिल और रैगन ये दोनों भी एडमंड की दीवानी हो गई हैं क्योंकि एडमंड बड़ा खूबसूरत है। हालांकि गॉन्ड्रिल और रैगन दोनों शादीशुदा हैं, इन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये दोनों एडमंड के साथ अफेयर चलाना चाहती हैं। दोस्तों ये तीनों मिलकर, गॉन्ड्रिल, रैगन और एडमंड, ये तीनों मिलकर कौडिलिया की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। एडमंड कौडिलिया को हरा देता है और कौडिलिया और किंग लियर को बंदी बनाकर ले आता है। अब दोस्तों कहानी में कत्ल होना शुरू होते हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडी हो और खून खराबा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले एडगर और एडमंड दोनों भाइयों की लड़ाई होती है। एडगर एडमंड को मार देता है। गॉन्ड्रिल भी अपनी बहन रैगन को जहर देकर मार देती है क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में भी एडमंड को लेकर लड़ाई हो जाती है। ये दोनों एडमंड के लिए एक दूसरे से जेलियस फील करती हैं तो गॉन्ड्रिल अपनी बहन को जहर दे देती है और रैगन भी मर जाती है। इसके बाद गॉन्ड्रिल का जो हस्बैंड होता है उसको गॉन्ड्रिल की सारी सच्चाई पता लग जाती है। एल्बनी को पता लग जाता है कि उसकी वाइफ गॉन्ड्रिल बेवफा है और वो एडमंड से मोहब्बत करती है। इसके बाद दोस्तों गॉन्ड्रिल भी सुसाइड कर लेती है। अगला नंबर होता है कौडिलिया का। कौडिलिया बंधी बनी हुई मर जाती है। जब ये बात किंग लियर को पता लगती है कि उसकी बेटी मर गई है तो वो भी गम में मर जाता है। तो दोस्तों इस तरह पूरी स्टेज लाशों से सज जाती है।
एक के बाद एक सभी करेक्टर्स मर जाते हैं, और ड्रामा के लास्ट में ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि गॉन्ड्रेल का हस्बैंड था, एडगर जो कि एडमंड का भाई था, और कैंट जो कि किंग लियर का वफादार दरबारी था, ये तीनों मिलकर किंगडम को चलाते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में भी लिखकर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।